आइए दोस्तों आज की उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें और सभी प्रमुख मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए यूपी के विकास पर अच्छी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में खुलेगी 30 हार्ट फेलियर क्लिनिक। एक्सपर्ट्स बोले कि लाइलाज नहीं हार्ट फेलियर, तंबाकू और शराब के सेवन से आपको बचना चाहिए ताकि आपको हार्ट फेलियर की संभावना कम रहे। और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में 30 और हार्ट फेलियर क्लिनिक खोलने जा रही है सरकार, क्योंकि हाल ही में हार्ट अटैक के और कार्डियक अरेस्ट के मामले काफी ज्यादा देखे गए, उसके बाद यूपी सरकार ने यह फैसला लिया। वैसे इलाज को लेकर एक और खबर ये भी आ रही है कि आईआईटी की मदद से मरीजों का उपचार करेगा लोहिया संस्थान। तकनीकी से बेहतर इलाज पाने पर होगा जोर। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सर्वाइकल कैंसर को भी देंगे मात। अच्छा बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव पर अपडेट आ रहा है। 17 निगम, 200 नगर पालिका और 545 नगर पंचायत की आरक्षण सूची हुई जारी। वैसे यूपी में उपचुनाव का मतदान खत्म हो चुका है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी लोकसभा सीट और रामपुर खतौली विधानसभा सीट पर मतदान खत्म हुआ। मैनपुरी में पिछली बार से 7.3% कम रहा मतदान। सपा कार्यकर्ताओं ने ईवीएम लदी गाड़ी भी रोकी। वही देखिए दोस्तों, जातिगत रैलियों पर रोक क्यों न लगा दी जाए, हाई कोर्ट ने किया सवाल। बीजेपी, सपा, कांग्रेस, बसपा और चुनाव आयुक्त को हाई कोर्ट की तरफ से जारी किया गया नोटिस। इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति में प्रचार के दौरान की जाने वाली रैलियों को लेकर सभी पार्टियों को जारी किया नोटिस। अच्छा अगला अपडेट देखिए दोस्तों, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर लगेंगे 250 कैमरे। दुपहिया और तीन पहिया वाहनों के चालान ऑटोमेटिक कटेंगे। सुमुत ट्रैफिक और टाइट सिक्योरिटी का खाका प्रशासन की तरफ से तैयार कर लिया गया और जल्द ही दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर ऑटो चालान कटने वाला सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। वैसे हाईवे की बात हो ही रही तो आपको एक और अपडेट बता दूं, यमुना एक्सप्रेसवे पर भी स्पीड लिमिट में बदलाव करने जा रही है यूपी सरकार। इस एक्सप्रेसवे पर दोस्तों आए दिन होने वाली रोड एक्सीडेंट की घटनाओं को देखते हुए अब 15 दिसंबर से ही आप तेज स्पीड में वाहन नहीं दौड़ा पाएंगे। सरकार इस तरह के नए स्पीड लिमिट के नियम लागू करने जा रही है। नए नियम के मुताबिक जो हल्के वाहन होंगे उनकी स्पीड पहले 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी, उसके बजाय अब 80 किलोमीटर प्रति घंटा ही होगी। और भारी वाहनों के लिए यानी कि जैसे ट्रक, लोडर, डंपर वगैरह, उनके लिए अधिकतम रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा ही रहेगी। 15 तारीख से ये नए नियम लागू हो जाएंगे, है ना। अच्छा वहीं देखिए बड़ी खबर, विदेशों से आएगा उत्तर प्रदेश नोएडा में 1,00,000 करोड़ का निवेश। सिंगापुर, सिडनी और ब्राजील जाएगा डेलीगेशन। 10 दिन होगी कंपनियों के सीईओ से बातचीत। झांसी में 3 महीने में बन जाएगा स्मार्ट हेल्थ सेंटर। 60% सस्ती होंगी जांचें। अल्ट्रासाउंड 323, सीटी स्कैन 900 और सीबीसी सिर्फ 135 रुपए में करा सकेंगे। अच्छा वहीं देखिए यूपी सरकार की एक और नई पहल, कानपुर में रोबोट करेंगे सीवर की सफाई। उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा शहर बनने जा रहा कानपुर, जहां रोबोटिक्स के तरीके से सीवरेज लाइनों की सफाई की जाएगी। इंसान की जगह मशीन मात्र 1 घंटे में 6 मैनहोल को साफ कर सकती है। और इसके अलावा भी इससे एक और सबसे बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि आए दिन दोस्तों सीवरेज लाइनों में सफाई करने वाले कर्मचारियों की जान जाने की खबरें आती रहती हैं। पिछले 3 साल में 65 लोगों की मौत हो चुकी है, तो ये रिस्क अब नहीं रहेगा। ये वाकई में सरकार की अच्छी पहल है। अच्छा अगला अपडेट देखिए दोस्तों, एनसीआर में ग्रेप 3 लागू हुआ। माइनिंग, कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन नहीं होगा। एक्यूआई 300 के पार चला गया, वापस प्रदूषण बढ़ रहा। अच्छा अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश देवरिया में लगेगी देवराहा बाबा की कांस्य की प्रतिमा। 5 फीट ऊंची बनाई जाएगी प्रतिमा। 35 लाख रुपए का आएगा खर्च। वही देखिए, आम आदमी को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगने जा रहा। अप्रैल 2023 से आपको बड़ा हुआ गृह कर देना पड़ेगा। प्रयागराज नगर निगम सदन में पास हुआ बजट, शहर में लाइटिंग के लिए 2 करोड़ और भी मिले। लेकिन जो घर का हासिल आता ना गृह कर, वो शहर के लोगों को अगले वित्तीय वर्ष अप्रैल 2023 से ज्यादा देना पड़ेगा, बड़ा हुआ देना पड़ेगा। एजुकेशन पर खबर आ रही की 10वीं पास युवाओं को सीआईएसएफ में मौका। 4,000 पदों पर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रखे जाएंगे हेल्थ ऑफिसर। 13 दिसंबर से पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल पोर्टल है CISF.gov.in के जरिए। वह देखिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के हिंदू विभाग के पूर्व छात्रों ने जड़ा ताला। शोध प्रवेश परीक्षा में लगाया अनियमितता का आरोप। डिपार्टमेंट के अन्य स्टूडेंट्स की भी पढ़ाई बाधित हुई। अच्छा यूपी के लिए एक बड़े गौरव की बात आ रही है कि कांसी के शशांक ने केरल में बढ़ाया यूपी का मान। 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल और टीम के साथ सिल्वर मेडल भी लेकर आया। मेनी मेनी कांग्रेट शशांक को हमारी तरफ से भी वाकई में ढेर सारी शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश के कांसी का नाम रोशन किया इन्होंने। अच्छा आपको एक सावधान कर देने वाली खबर बताता हूँ। देखिए आगरा में कारोबारी के घर से 25 लाख की चोरी कर ली गई। परिवार वाले बेटी की सगाई के लिए गुजरात गए थे, पीछे चोरों ने कोठी के 24 ताले तोड़े और पार्टी भी की रात में चोरी करके आराम से घर पे, क्योंकि घर पे तो कोई था ही नहीं। तो मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं दोस्तों कि आजकल शादियों का सीजन है, घर को इस तरह से सूना छोड़ करके सारे घर के सदस्य एक जगह ना जाएं। कहने का मतलब ये है कि कोई न कोई घर पर जरूर रुकें, क्योंकि आजकल शादियों का सीजन है तो चोर उच्चकों का भी सीजन चल रहा। अच्छा अगला अपडेट देखिए, 14 दिसंबर को अयोध्या पहुंचेगी भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी की कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो 14 तारीख को उत्तर प्रदेश अयोध्या आ जाएगी। अयोध्या सिटी होकर अयोध्या धाम पहुंचेगी। प्रांतीय अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी यात्रा की अगुवाई करेंगे। वेस्ट यूपी में भी जाएगी भारत जोड़ो यात्रा। 14 दिन का शेड्यूल जारी हुआ। गौतम बुद्ध नगर से शुरू होकर यात्रा रामपुर तक जाएगी। मथुरा से सहारनपुर तक का रूट तय किया गया। वैसे अभी भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में चल रही है, आपको बता दूं। और वहां राहुल गांधी ने यह भी कहा कि भगवान राम से सीखे बीजेपी, आरएसएस
कांग्रेस के लोग, उन्हें जय सियाराम बोलना ही पड़ेगा। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है ज्ञान व्यापी से जुड़े मामले की सुनवाई अब 7 दिसंबर को होगी। मां श्रृंगार गौरी केस के साथ अन्य 6 मुकदमों को सुनने की भी कोर्ट से की गई मांग। वही देखिए सबसे छोटे भारतीय वैज्ञानिक का हुआ सम्मान। मुख्य सचिव ने विधानसभा के सामने विशेष इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बनाने वाले दुनिया के सबसे छोटे वैज्ञानिक बच्चों से भेंट की। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। दुर्गा शंकर मिश्र जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव हैं, उन्होंने विधानसभा के सामने विशेष इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बनाने वाले दुनिया के सबसे छोटे भारतीय वैज्ञानिक बच्चों से भेंट कर उन्हें प्रेरित भी किया। अच्छा, आजकल नए नए तरह के फ्रॉड किए जाते हैं लोगों से। एक और फ्रॉड की घटना सामने आई। देखिए आप, जीजा बन बैंक खाते से उड़ाए 2 लाख रुपए। फोन पर मदद मांगी थी और फिर पैसा लौटाने के नाम पर लिया UPI बार कोड। और इस तरह से भी बैंकिंग धोखाधड़ी हो रही है, आप भी सावधान रहें। ये घटना उत्तर प्रदेश लखनऊ के हुसैनगंज थाना क्षेत्र की। फोन पर कोई आपको ये बोले कि मैं रिश्तेदार बोल रहा हूँ या फलाने का दोस्त बोल रहा हूँ, ढीमका बोल रहा हूँ, पैसे डाल दो। ऐसे नहीं डालने कभी, ठीक है ना, वरना आपके साथ भी धोखाधड़ी हो सकती है, सावधान रहिएगा। रेलवे से खबर आ रही, कोहरे से ट्रेनें निरस्त, यात्री परेशान। उत्तर रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने अब तक 78 ट्रेनों को निरस्त कर दिया। वहीं देखिए जौनपुर ITI कॉलेज में 9 दिसंबर को होगा कैंपस सिलेक्शन। 28 साल तक के अभ्यर्थी होंगे शामिल। सुबह 10 बजे तक आपको सेंटर पर पहुंचना होगा। वाराणसी में 50 साल पुराने मंदिर में की तोड़फोड़। शिवलिंग और हनुमान मूर्ति को खंडित भी किया, त्रिशूल भी निकाल कर फेंका। और इसके बाद 1.5 घंटे तक आसपास माहौल तनाव भरा रहा, क्योंकि धार्मिक से जुड़ा मामला रह गया। अच्छा, मैं देखिए अलीगढ़ से इस बार OBC महिला बनेगी मेयर। प्रदेश के 17 नगर निगम के लिए शासन ने जारी की आरक्षण सूची। अग्निवीर रैली पर खबर आ रही कि 1570 से ज्यादा उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। 15 जनवरी को होगी लिखित परीक्षा। उत्तर प्रदेश के 13 जिलों से तकरीबन 1,05,000 उम्मीदवारों ने पंजीकरण किया था, तो ये अब अग्निवीर भर्ती आगे बढ़ने जा रही है। ज्यादा जानकारी आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। अच्छा, वहीं देखिए गाजीपुर में बिजली कर्मचारियों ने मनाया विजय दिवस और कहा कि समझौते पर अगर सरकार ने अमल नहीं किया तो हम फिर से आंदोलन करेंगे। अभी आपको बता होगा पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारी हड़ताल पर हैं। हालांकि अभी सरकार से उनकी सहमति बनी और उसके बाद उन्होंने आंदोलन खत्म कर दिया, लेकिन उनका यह कहना है कि सरकार ने अगर हमारी बातें नहीं मानी तो हम फिर आंदोलन शुरू करेंगे, उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश की सरकारी स्कूलों में छात्राओं को वोकेशनल ट्रेनिंग मिलेगी, मतलब कि व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों से इसकी शुरुआत हो चुकी है। कौशल विकास मिशन को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है, मतलब उत्तर प्रदेश में स्कूलों में बच्चियों को अब व्यापार, व्यवसाय, काम धंधे, बिजनेस, रोजगार के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। इसके बारे में मैंने आपको जानकारी शायद कल भी बताई थी, राइट? तो इसकी शुरुआत हो चुकी है, आज ये नया अपडेट है। अच्छा, खबरों में आगे बढ़े दोस्तों, इससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक भी डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो कर लो, फटाफट से कर लो, बहुत बड़ी भूल कर रहे हो आप, क्योंकि यहां पर उत्तर प्रदेश की डेली बड़ी खबरें आती रहती है। डेली का डेली कंप्लेंस वीडियो मिल जाता आपको 10 मिनट में, पूरे राज्य का अपडेट मैं आपको एक ही वीडियो में दे देता हूं, तो फिर और क्या चाहिए, सब्सक्राइब कर लो फटाफट से। और भी उत्तर प्रदेश सरकार की कोई भी नई स्कीम, नई योजना आएगी, कोई नया आदेश आएगा तो तुरंत आपको इस चैनल पर जानकारी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और वीडियो को लाइक किया करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी किया करो अपने दोस्तों के साथ, उत्तर प्रदेश के ही भाई बहनों के साथ, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देखिए, ओरिया के 1265 स्कूलों में निपुण असेसमेंट टेस्ट का आयोजन किया गया। SRG बोले बच्चों की शैक्षिक गुणवत्ता का होगा आकलन। OMR सीट भरने के तरीके भी बच्चों को बताए गए। अच्छा, मैं देखिए खबर है कि मथुरा की शाही ईदगाह में लड्डू गोपाल को विराजने का ऐलान। हिंदूवादी नेता ने चेतावनी दी, प्रशासन ने अगर रोका तो कृष्ण के चरणों में कर लेंगे आत्मदाह भी। गंगा सरयू के जल से शुद्धिकरण भी करेंगे। ये मतलब काफी बड़ा मसला चल रहा। आगरा के हिंदूवादी नेता की तरफ से ऐलान किया गया कि 6 दिसंबर को वह मथुरा में शाही ईदगाह का शुद्धिकरण भी करेंगे। और इसके अलावा 6 दिसंबर को लेकर प्रशासन ने भी अलर्ट जारी कर दिया, क्योंकि इधर मथुरा पुलिस ने फ्लैग मार्च जारी किया। हिंदू महासभा ने शाही ईदगाह में हनुमान चालीसा पढ़ने का भी ऐलान किया, तो धार्मिक माहौल और सांप्रदायिकता बिगड़ सकती है। इसी के चलते पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा, वही खबर है कि अयोध्या में 7 दिसंबर को कारोबारी निकालेंगे पैदल मार्च। कारोबारियों का आरोप, बिना अच्छे मुआवजे दिए प्रशासन अनुमति लेने का बना रहा दबाव। वही देखिए बड़ी खबर, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में गाजीपुर के प्रतियोगिताओं ने जीते मेडल। शिल्पा, आदित्य और प्रियांशु ने जीता गोल्ड मेडल। चंदौली में हुई थी प्रतियोगिता। अच्छा, फसल बीमा योजना में सभी किसान बीमा का पंजीकरण करवाएं अपनी फसलों का। कानपुर देहात में रबी गोष्ठी का आयोजन हुआ और इस दौरान CDO ने योजना की जानकारी भी किसान भाई लोगों को दी। वहीं देखिए खबर, गोवर्धन में जुटेंगे 10,000 श्रद्धालु। दिव्य 56 भोग महोत्सव का आमंत्रण हुआ जारी। आगरा में 10 दिसंबर को निकलेगी यात्रा। अच्छा, उत्तर और दक्षिण भारतीय खिलाड़ियों का होगा संगम। काशी तमिल संगमम में 8 दिसंबर से होगा 8 दिवसीय खेल महोत्सव का आयोजन। वुमेन पावर लाइन 1090 वैन को SP ने किया रवाना। छात्र छात्राओं को जागरूक भी किया, महिला अपराध के प्रति जानकारी भी दी। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर के राजा रत्न सेन इंटर कॉलेज में सोमवार को पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद की तरफ से वुमेन पावर लाइन 1090 वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अच्छा, एक बड़ी दुख भरी खबर देखिए दोस्तों। बलरामपुर में तेंदुए के हमले से एक बच्ची की मौत हो गई। शोर सुनने के बाद जंगल की ओर भाग गया तेंदुआ। 10 दिन में यह दूसरी घटना देखी गई।
अच्छा मैं देखिए एसएन मेडिकल कॉलेज में वार्षिकोत्सव फ्लेम्स 2022 शुरू हो चुका। पहले दिन मैराथन के बाद क्रिकेट मैच खेला गया। छात्रों ने दी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में ये वार्षिक उत्सव मनाया गया। अच्छा मैं खबर देखिए, देवरिया में राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन होगा। जिले के 14 मेधावी इसमें हिस्सा लेंगे। 12 से 15 दिसंबर तक लखनऊ में आयोजित होगी प्रदर्शनी। वही देखिए एक नया नियम, बिजनौर की सड़कों पर अब नहीं चलेंगी बिना रजिस्ट्रेशन के ई रिक्शा। एसपी ने 5 दिन का रजिस्ट्रेशन कराने का समय दिया, फिर कार्यवाही भी की जाएगी। मतलब अब जो ई रिक्शा चलाते हैं ना, उनको भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा आरटीओ से। हालांकि उसका चार्ज भले ही नहीं लगेगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। इसको लेकर देख सकते हैं आप, प्रशासन ने नोटिस भी जारी कर दिया। अच्छा आगरा में एक लूट का वीडियो सामने आ रहा सोशल मीडिया पर, मैं आपको बताना चाहूंगा। वो इसलिए बता रहा हूं ताकि आप सावधान रहें, ऐसी घटनाओं से सीख लें। देखिए 5 सेकंड में किस तरह से एक महिला के गले की चेन छीनकर भाग जाता बदमाश। आगरा में घर के अंदर बदमाश ने आकर एड्रेस पूछा। पहले तो डोरबेल बजाकर घर का दरवाजा खुलाया, फिर घर के अंदर आकर एड्रेस पूछता कि मेरे को वहां जाना कहां रास्ता जाएगा, और उसके बाद झपट्टा मारकर चेन छीनकर भाग गया। आगरा के पोश इलाके लॉयर्स कॉलोनी में दिन दहाड़े बदमाश ने घर के अंदर गमलों में पानी दे रही महिला के गले से चेन झपटकर भाग निकला। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। इस घटना से आपको ये सीख लेनी चाहिए दोस्तों कि कोई भी अनजान शख्स को घर में प्रवेश करने की परमिशन ना दे, क्योंकि आजकल का समय ऐसा नहीं है। बहुत ज्यादा अलर्ट और सावधान रहने की जरूरत है, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए मैंने आपको ये खबर भी बता दी। ये दो बदमाश बाइक से आते हैं और ये घटना को अंजाम देते हैं। हाल ही में आपको बताऊंगा इस तरह की घटना कानपुर में एक स्कूटी से घर जा रही महिला के साथ भी लूटपाट के देखी गई थी। तो प्रशासन क्या कर रहा है, कुछ सख्त कार्यवाही करनी चाहिए ऐसे उठे गिरे बदमाशों के साथ, इनको जेल में डालना चाहिए, राइट। अच्छा अगला अपडेट आ रहा, होम्योपैथी से इलाज कराने वाले 2 करोड़ मरीजों के लिए बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में सरकारी होम्योपैथी अस्पतालों में अब टेबलेट और सिरप भी मिलेगी। यूपी राज्य के जितने भी जिलों में लगभग 1500 से ज्यादा राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय है ना, उनमें 2 करोड़ मरीज उपचार के लिए आते हैं, उनको अब टेबलेट गोली दवाई सिरप भी अस्पताल में ही मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश के मौसम पर अपडेट आ रहा है कि पहाड़ों पर बर्फबारी का दिखेगा असर, यूपी में और गिरेगा पारा, ठंड बढ़ेगी। अच्छा भाई देखिए, गीता जयंती समारोह में बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जगत के कल्याण का मार्ग दिखाती है श्रीमद् भगवद् गीता। स्कूल प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही देखी गई। देखिए आप, सोनभद्र में प्राथमिक विद्यालय पगडेवा में अधूरा बनकर खड़ा गेट 2 दिन पूर्व गिरने से 3 बच्चे उसमें दबकर घायल हो गए और उसमें से एक मासूम छात्र की मौत भी हो जाती है अस्पताल में इलाज के दौरान। प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया। अब इस गेट को आधा बनाया हुआ था, पूरा नहीं बनाया। देखिए आप, तो बच्चे बच्ची है वो तो पास में गए और गिर गया गेट ऊपर। एक मासूम की तो बिना वजह जान चली गई ना। अच्छा गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनावी माहौल भी अच्छा चल रहा है, इनके एग्जिट पोल्स वगैरह भी आ चुके हैं। गुजरात में लगातार 7वीं बार सत्ता में आती बीजेपी दिख रही है। हिमाचल में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। तो अगर दोस्तों आप ये डिटेल्ड एग्जिट पोल जानना चाहते हैं ना, तो हमारे चैनल डीएलएस न्यूज को सर्च करके आप यूट्यूब में और देख सकते हैं। उसके ऊपर डिटेल्ड में एग्जिट पोल डाल दिया मैंने कि किस राज्य में आखिर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी को कितनी सीटें मिल सकती है। ओके, और यूपी से अंतिम अपडेट आ रहा, लखनऊ में मिले 8 डेंगू के नए मरीज। ठंड बढ़ने के साथ कम हुई संक्रमितों की संख्या, 11 घरों में थमाई गई नोटिस। ओके दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश की आज दिन भर की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का वीडियो यही समाप्त होता। वैसे आप यूपी में कौन से जिले में रहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आपके जिले के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और इस चैनल डेली यूपी न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रह पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।